हाय फ्रेंड्स, मैं तारा मुमानी अपने प्योर वेज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं रसमलाई कपकेक्स। एक कपकेक के मोल्ड में हमने रसमलाई का कुछ डिफरेंट कंसेप्ट ऐड कर दिया है। ट्रेडिशनल स्वीट रसमलाई के साथ केक, रसमलाई का केक के साथ फ्यूजन हमने कंसेप्ट ट्राई किया है। आप इसे जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा मैदा, शक्कर, दूध पाउडर, रसमलाई, पानी, मलाई, वेनिला एसेंस, कार्डमम पिसा हुआ, छोटी इलायची, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। आइए देखते हैं इसे किस तरह बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिक्सी के जार में हम शक्कर डाल के इसे पीस लेंगे। अब हम इसमें मलाई व दूध पाउडर ऐड करके फिर से चला लेंगे। थोड़ा सा मैदा व थोड़ा सा रस मलाई का दूध डाल के थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मैदा थोड़ा बचा ही है, तब भी ये बहुत थिक है। अब हम इसमें ज़रूरत अनुसार पानी डालेंगे और सही कंसिस्टेंसी आने पर हम आपको फिर से दिखा देंगे। ये देखिए, हमें इस तरह की ये कंसिस्टेंसी बैटर की चाहिए, ये हमें मिल चुकी है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कार्डमम पाउडर और वेनिला एसेंस डाल के एक बार और मिक्सी चला लेंगे। ये हमारा रसमलाई केक का बैटर बनकर रेडी है। आइए अब हम इसे मोल्ड में डाल ले हैं। यह हमने सिलिकॉन का मोल्ड दिया है, आप चाहें तो इसे पेपर का ले सकते हैं। इसे हाफ से 3/4 क्वांटिटी में फिल करना है। हमने माइक्रोवेव ऑलरेडी प्रीहीट करने के लिए रख दिया है, इसे 10-12 मिनट्स बेक होने में लगेंगे। ये फ्रीज्ड करके हमने व्हिपिंग क्रीम ली है, जिसमें कि थोड़ा सा मिल्क मसाला डाल दिया है। अब हम इसमें शक्कर, पीसी हुई शक्कर डाल के बीट कर लेंगे। इसके ब्लेड्स भी हमने फ्रीज कर लिए थे। ये ब्लेंड हो चुकी है, फ्लफी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा येलो कलर डाल देंगे। ये क्रीम से हमने फ्रॉस्ट कर लिया है और थोड़ा सा रसमलाई, केसर व पिस्टेचियो से हमने डेकोरेट कर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, चाहे तो ना करें। ये हमारा रसमलाई कपकेक बनकर रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, कुछ डिफरेंट लगेगा।